नोएडा पुलिस ने मंगलवार को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ठग गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के नोएडा पुलिस के डिप्टी पुलिस कमिश्नर राम बंदन सिंह ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि ठग गिरोह नोएडा दिल्ली जॉब के नाम पर यूट्यूब चैनल में विज्ञापन जारी कर इंटरव्यू के नाम पर 100 रुपये, सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2500 से 3000 रुपये वसूलते थे। इस प्रकार ठग एक महीने में करीब 200 लोगों को अपना शिकार बनाते थे। साथ ही पैसे वापस मांगने वालों के खिलाफ ट्वीट हैंडल से फर्जी ट्वीट कर डराते भी थे। फिलहाल पुलिस ने भोले भाले लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये है कि कुछ लोगों ने, जिनको नौकरी दिलाने के नाम पे धोखा दिया गया था, उन्होंने शिकायत की थी, तो इस पर हम लोगों ने कार्रवाई की और इसके लिए ACP सभ्य को लगाया गया था। इससे पता ये चला कि ये लोग बरौला में और होशियारपुर में ऑफिस खोल करके लोगों को तुरंत नौकरी के दिलाने के नाम पर 2000 से लेकर 2500-3000 रुपये उनसे अकाउंट में डलवा लेते थे और नौकरी तो उन्हें मिलती नहीं थी, फिर बाद में टहलते रहते थे और ये काम करीब 1.5 साल से कर रहे थे। तो ये धोखाधड़ी करके लोगों को ठग रहे थे। अब तक तो ये कहते कि हर महीने लगभग 100 से 150 लोग आते थे, तो इसका तो अकाउंट से पता चलेगा हमें इनका देख करके कि कितने लोगों ने अकाउंट में पैसे डाले हैं, उसी से हम लोग निकाल पाएंगे। पर फिर भी मेरा है कि अगर 1.5 साल से है तो 100-150 भी कर रहे होंगे, तो 2500-2500 रुपये तो कर ही चुके हूँ। 2500 लोगों को ये लोग फंसाते थे जॉब दे करके, कि तुरंत ऐड निकालते थे, पैम्पलेट चिपकाते थे जगह जगह कि तुरंत जॉब चाहिए तो आ जाइए ओप्पो में, सैमसंग में, तो इस तरह से लोग जल्दी आ जाते थे क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग इनके लालच में आ जाते थे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।